अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। हाँ जी, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ख़त्म हो गए थे। आज हमने चैप्टर नंबर 8 एनर्जी एंड इट्स फॉर्म, इसका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करना है। इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखें अपने नोट्स पर। हाँ जी, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने क्या करना है, डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, लॉ आपको पता है कानून को कहते हैं, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या कानून है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक एनर्जी की एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होने को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अबाउट 100 years ago अ फ्यू साइंटिस्ट परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट। कहते 100 साल पहले कुछ साइंसदानों ने कुछ तजर्बात किए, ठीक है। दे कंक्लूड, और क्या नतीजा निकाला, दैट एनर्जी कैन नॉट बी मेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। कि एनर्जी ना तो पैदा होती है, मेड ना तो बनती है, नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना ही तबाह होती है, ना बनती है ना तबाह होती है। बट एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में क्या होती है, तब्दील होती है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म की स्पेलिंग ओके, ठीक है। अच्छा, दिस फैक्ट इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। समझ आ गई आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, कि एनर्जी ना तो पैदा होती है, ना ही तबाह होती है, डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि क्या होती है, एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक्सप्लेनेशन में देखिए, उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, एक्सप्लेन आपको एग्जाम्पल्स के जरिए किया हुआ है। कहता है कंसीडर अ पेंडोलम। पेंडोलम आपको सबको पता ही होगा कि पेंडोलम क्या होता है, एक हैंगिंग रस्सी के साथ या धागे के साथ एक बॉल को हैंग किया जाता है और वो क्या करता है, स्विंग करता है। जैसे आप स्विंग करते हैं ना, बैक एंड फोर्थ, स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मीनिंग क्या है, कि आगे और पीछे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखें, अच्छा आपको ये बता रहा है कि इसमें एक पेंडोलम में एनर्जी कैसे तब्दील हो रही है। तो वो कैसे तब्दील हो रही है, वो बता रहा है कि व्हेन अ बॉल स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट एट अ हाईएस्ट पॉइंट। आप स्विंग को देखते हैं, एक पॉइंट पर जाके वो रुक जाते हैं, जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो रुक जाता है और फिर दोबारा डाउनवर्ड आता है और फिर बैक साइड से वो ऊपर की तरफ जाता है। यानी एक उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है और एक उसका लोएस्ट पॉइंट होता है। हाईएस्ट पॉइंट वो होता है जहाँ पर जाकर वो रुक जाता है। तो पेंडोलम भी इसी तरह स्विंग कर रहा है कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर गया है तो उस वो वहाँ पर जाकर क्या हो गया, स्टॉप हो गया है। कहता है द बॉल फॉर अ मोमेंट, कुछ लम्हे के लिए, एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स स्विंग, कुछ लम्हे के लिए वो स्टॉप हो जाता है। इट हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी, उस टाइम पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। द एनर्जी इज ऑल पोटेंशियल, उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो रुक गया है तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं आपको, व्हेन इट कम्स डाउन, अब वो कुछ लम्हे एक फॉर अ मोमेंट रुकने के बाद जब वो दोबारा पीछे की तरफ आया है तो डाउनवर्ड आया है। इट कम्स डाउन एट द लोएस्ट पॉइंट, वो उसका कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट से वो लोएस्ट की तरफ आया। ऑन इट्स स्विंग इट्स स्पीड इज ग्रेटेस्ट, जाहिर है रुकने के बाद जब वो डाउनवर्ड आया उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो गई है। हेयर द पेंडोलम हैज़ नो पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी इज ऑल काइनेटिक। अब इस टाइम पर जब उसकी क्या है, स्पीड तेज हो गई है, तो उस टाइम पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। आपको दोनों पॉइंट्स की समझ लग गई होगी कि फर्स्ट पॉइंट में उसने कहा हाईएस्ट पॉइंट पर वो स्टॉप है और उस टाइम पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट पॉइंट में उसने कहा कि जब वो नीचे लोएस्ट पॉइंट पर आया है उसकी स्पीड ज़्यादा है और उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। आपने देखा किस तरह से शक्ल बदल गई, एनर्जी की शक्ल किस तरह से बदली है। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये काम आपने याद भी करना है और अपने होमवर्क कॉपीज़ पर भी करना है। थैंक यू।